नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में ललित कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे ने बताया कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी पूर्वांचल की 114 वर्ष पुरानी शिक्षण संस्थान है, जिसके द्वारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज, रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज, नेशनल छात्रावास एवं प्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे शिक्षण संस्थान संचालित होते हैं, जिसमें 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए समिति वर्ष के अंत में अपने पूर्व पदाधिकारियों की स्मृति में ललित कला महोत्सव का आयोजन करती है। इस वर्ष ये महोत्सव 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में कुल 12 प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें 3 विद्यालयों के साथ शहर के अन्य शिक्षण संस्थान भाग लेंगे। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ललित कला महोत्सव का इतिहास 50 वर्ष पुराना है। सन 1973 में चित्रकला प्रतियोगिता के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। इस ललित कला महोत्सव में बैडमिंटन प्रतियोगिता, निबंध, भाषण एवं विज्ञान प्रदर्शनी सहित अन्य प्रतियोगिताएं की जाएंगी। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, आज की प्रेस वार्ता नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी गोरखपुर, जिसके द्वारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज, रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज, प्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और हॉस्टल का संचालन 1909 से किया जा रहा है। उसके द्वारा वर्ष 1973 में इस नगर में एक चित्रकला प्रतियोगिता प्रारंभ की गई थी अपने 2 पूर्व सचिव लोगों के स्मृति में, और 1973 में प्रारंभ की गई यात्रा आज 50 वर्ष पूरे करने जा रही है। और जो सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम एक प्रतियोगिता का होता था, वह पिछले 50 वर्षों में बढ़ते हुए 12 प्रतियोगिताओं का आयोजन लगातार 5 दिन के कार्य समय में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 15 दिसंबर 2023 को प्रारंभ होगी शुक्रवार को, और इसका समापन 19 दिसंबर 2023 मंगलवार को संपन्न होगा। पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम हमारे प्रोफेसर जेपी सैनी साहब, जो कि कुलपति हैं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के, उनके कर कमलों द्वारा होगा। और उद्घाटन के संबंध में आयोजन समिति प्रयास कर रही है, वार्ता भी हुई है, सहमत शाम तक मिल जाने की उम्मीद है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति पूनम टंडन जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। कितने विद्यालय भाग लेना है इसमें? हमारे विद्यालयों के अलावा पिछले वर्षों की जो हमारी यात्रा रही है, लगभग 37-38 विद्यालय सहभाग करते हैं। और इस वर्ष हम लोगों ने महाविद्यालयों को पिछले वर्ष की तरह इस बार भी आमंत्रित किया गया है, और हमें उम्मीद है कि यह संख्या 50 के करीब पहुंचेगी। पूरे नगर के जितने भी इंटर कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, उन सब में यह प्रतियोगिता में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जो विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, वह निबंध, वाद विवाद, एकल गायन, एकल नृत्य, वादन, एकांकी, क्विज, योग और चित्रकला जो हमारा मूल है। इसके साथ साथ 2 दिन का हम उद्यमिता प्रदर्शनी लगा रहे हैं, जिसमें हमारे इंटर और डिग्री के छात्र अपनी चीज़ों को जो उन्होंने बनाया है उसको वो प्रदर्शनी में रखेंगे बेचने के लिए। साथ ही साथ एक फूड कोर्ट का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि जो अन्य विद्यालयों से अभिभावक बच्चे आ रहे हैं या हमारे विद्यालय के बच्चे हैं अभिभावक हैं, उन सब लोगों के लिए एक साफ़ सुथरी खाने की व्यवस्था भी फूड कोर्ट, और इसका भी संचालन विद्यालय के छात्रों के द्वारा किया जाए। यानी यह पूरा का पूरा जो आयोजन किया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य है कि शिक्षा के साथ साथ, विषय के साथ साथ, हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें, रचनात्मक क्षेत्र में, व्यवसायी रूप में भी वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, और साथ ही साथ सारे आयोजनों में छात्र कार्यकर्ता के रूप में लगे रहेंगे और वो पूरे आयोजन के संचालन में पूरी मदद करें।